जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शगुफ्ता लोदी, नमस्ते सत श्री अकाल और जहां जहां मेरे नाजरीन और गिमी टीवी के पसंद करने वाले पूरी दुनिया में बैठे हैं, आज उनके लिए एक स्पेशल ट्रीट है क्योंकि ये चांद रात का मौका है और चांद रात पे हमने सोचा कि भाई देखें चांद रात बहुत अहम होती है, हम लोग बैठे हुए हैं क्वारंटाइन में, मैं थोड़ी सी डिप्रेस हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है ये मेहंदी लगाने का, लाहौरी हूँ और लाहौरने कहीं भी दुनिया में बैठी हूँ तो अब मैं देखे मेरे हाथ खाली हैं क्योंकि मैं जा नहीं सकी और ये सब लॉकडाउन है, लेकिन हमने कुछ और एहतमाम कर लिया नाजरीन कि हम आपको मेहंदी वाली बात तो नहीं कर सके, जैसे हम यहाँ पे साउथ हॉल में जाके स्पेशल मैं मेरी बेटी और मेरे हम फैमिली हमारा ये बहुत एक्टिविटी होती है, वहां पे भी एक समा होता था पिछले साल, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना देखें हर चीज जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो मैं अपने नाज़रीन को एक ऐसी स्पेशल ट्रीट दूं चांद रात के मौके पर कि बस वो मुझे दुआएं ही देते रहें और वो जब कल के दिन में सेवइयां खाएं मिठाइयां खाएं तो उनके कानों में जिन पर्सनैलिटी को आज मैंने गेस्ट के तौर पे बुलाया है उनकी बातें उनके कानों में उनकी समात को और खूबसूरत बनाती रहे, उनकी ईद को उनकी चांद रात को बहुत खूबसूरत बनाए। तो आपको मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगी, वेलकम टू द शो सर, लाहौर से डायरेक्ट हमारे साथ हैं, हमारा फखर और हमारे मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि सैयद सैफुद्दीन फकीर साहब डायरेक्ट फ्रॉम लाहौर हमारे साथ चांद रात के मौके पे हैं। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी और आपके व्यूअर्स को जो सबको सलाम है जी और सब सलामती में रहे और जो सिख व्यूअर्स हैं उनको सत श्री अकाल और इफ क्रिश्चियंस हों तो फिर गुड इवनिंग, आज शाम का वक्त है और हिंदू हों तो बीच में फिर हमारे लिए नमस्ते भी इम्पोर्टेंट है। तो आपकी इस वीडियो के जरिए आपसे मुलाकात हुई बड़े अरसे के बाद, जब मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप तशरीफ लाई थी लाहौर जी जी तो जी। चंद माह पहले की बात है, आपका बेटा साथ था, फिर फकीर खाने का आपने एक टूर किया सही। तो जी बहन आप सुनाइए सब ओ, से मैं इतनी एक्साइटेड हूँ पहले तो आप देखें आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, आपको थोड़ा सा माइग्रेन का भी मसला था, आई एम सो ट्रूली ऑनर्ड कि आप इसके बावजूद तबीयत की खराबी की वजह से भी आपने एक फोन करने पे और आपने इतना मुझे ऑनर किया कि आपने कहा नहीं मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने जाहिर है ये चांद रात स्पेशल आपके साथ ही करना था, आपकी व्यूअरशिप और आपके नाम लेके लोग कहते थे कि जी लाहौर से एक पर्सनालिटी है लाहौर, जो कि हमारा म्यूजियम तो जो फकीर खाना है वो तो हमारा फखर है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक पर्सनालिटी नहीं है, आप हमारी हिस्ट्री हैं और फकीर साहब आप हमारा कल्चर लेके इतनी सदियों से आपका खानदान जो चल रहा है, मैं समझती हूँ कि आपने आज गिमी टीवी को मेरे फादर को मुझे मेरी फैमिली को यहाँ इंग्लैंड में रहने वाले और इंडिया में रहने वाले सिख हिंदू क्रिश्चियन मेरे जितने व्यूअरशिप है उन सबको हमारे ऑनर किया है, क्योंकि आपने ना आप एक एक दास्तान भी हैं, आप एक पहचान भी हैं, आप एक कहानी भी हैं, आप हमारी रूट्स भी हैं और आपने जो आपके बुजुर्गों ने और नेचुरली आप अब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जिस तरह से आपने फकीर खाने को चला रहे हैं और फिर वो जिस बड़े दिल के साथ चला रहे हैं, आपके पास मेहमान आते हैं मैं हैरान हूँ, हम भी गए, मेरा बेटा बहुत उसको ये हिस्टोरिकल चीजें देखने का शौक था तो वो काफी अरसे के बाद आया, तो जब वो बच्चा ऐसा जो थोड़ी के इंप्रेस नहीं होता और सबसे ज्यादा क्योंकि मैं माँ भी हूँ मुझे जी अपने बेटे की तरफ से बहुत इसरार था कि मामा आपने अंकल अंकल फकीर का पहले फोन आप लें, तो मैंने उसे कहा भी देखें चैनल तो अब्बा के चला रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म जब बंदा माँ बन जाता है तो वो कर ही लेता है,
सर सबसे पहले जी मैं ये पूछूंगी, इतना बड़ा खानदान, हिस्ट्री है आपके खानदान की, और इतना बड़ा नाम, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, मतलब इंडिया के जिस बंदे से बात करें माशाल्लाह बड़ा बड़ा नाम है। अभी राजेंद्र साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई वो फकीर तो मेरे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने मेरे लिए ये किया, उन्होंने वो किया। फिर जब हम भी आपके पास आए, हर रोज आपके पास गेस्ट आती हैं, सबको शगुफ्ता बहन, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। वो ये है कि होता है फखर जिनको माजी पे मोइन अपने, रखते हैं वो तारीख के हर बाप को जिंदा। तो अगर अगर आप लोगों को अपने अपने माजी पे फखर होगा तो इंशाल्लाह आपकी हमारी आने वाली नस्लें अपनी तारीख को जिंदा रखेंगी, तारीख से जुड़ी रहेंगी। आप जो वहां पे बैठ के बर्तानिया में बैठ के जो आप इल्मी अदबी काम कर रही हैं और लोगों को एजुकेट कर रही हैं, ये सारा सिरा आपके वालिद मोहतरम को जाता है, उनकी तरबियत को जाता है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन लाहौर में था, कभी किसी दिन हम आपसे वो भी पूरा सुनेंगे, मगर मुझे जहां तक ये याद है ये जो हमने बड़ों से सुना हुआ है कि वो उनका रेडियो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इल्मी अदबी सतह के हवाले से, और फिर बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जो एडजस्ट किया और बड़े बड़े लोगों के उन्होंने कामों को महफूज किया, कभी उनके ऊपर भी हम बात जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। एक और दूसरा, आपने मेरे खानदान का जिक्र किया कि जी हाँ शगुफ्ता, ये एक कहते हैं ये दास्तान इश्क है। हाँ। बड़ी खूबसूरत दास्तान इश्क है, और इश्क बड़ा मुश्किल चीज है। कहते प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, इश्क मत करना। और इश्क जो है वो आपसे इश्क कुर्बानी मांगता है। अगर यकीन नहीं है तो अल्लाह से करके देख लो। ऐसी और जो नबियों ने किया अपने रब से इश्क, और क्या क्या कुर्बानी उन्होंने दी। कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ भी ये दास्तान इश्क है, फकीर खाना का होना, एक अजायब घर का कायम होना, इस खानदान का मेरे बुजुर्गों का कंट्रीब्यूशन पंजाब के हवाले से होना, क्या क्या कुछ, क्या क्या कमाल लोग थे। आज जिस तरह अब आपने मतलब हमारी ईद आ रही है, और मुझे एक थोड़ा सा मैं गमगीन भी हो रहा हूँ इस ईद के ऊपर, अगर मैं क्योंकि मैं हकीकत में मैं तारीख में रहने वाला आदमी हूँ, तो मुझसे पूछते हैं लोग कि आप क्यों इतना हिस्ट्री की बात करते हैं। कि यार तारीख जैसी भी लिखी गई है, सच्ची है झूठी पर है महफूज, तो फ्यूचर का पता कोई नहीं, तो हाल से हम बेखबर हैं। तो कहने का मकसद, जो चीज महफूज है हम उसी की बात ज्यादा करते हैं। तो तारीखी हवाले से देखा जाए, हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरत ईदें होती थी। इस्लामिक हमारा मुसलमान कल्चर, पंजाबी कल्चर, ईदें कितनी खूबसूरत होती थी, खानदानों का इकट्ठे हो जाना, एक दस्तरखान लगाना। और फिर आपको जिस तरह पता है कि हम लोग अंदरून शहर में रहा करते थे, तो अंदरून शाह हमारे शहर में मेरे वालिद का घर, जो हमारे दादा का घर भी है, तो पूरा खानदान उस घर पे ईद की नमाज पढ़ने सारे इकट्ठे हो जाते थे। आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 70-80 नौजवान बच्चे मिल के मेरे वालिद की क्यादत में हाथों में अपनी अपनी जानमाजें लपेटे हुए, तो अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए बाजार से गुजर के बादशाह मस्जिद में जाना और वहां पे नमाज अदा करना, और जिस रास्ते से जाना फिर दूसरे रास्ते से लोगों से मिलते हुए वापस आना। हमारे अंदरून शहर में बेशुमार रिश्तेदार भी थे, मेरे वालिद के बेशुमार दोस्त थे, मियां यूसुफ सलाउद्दीन के वालिद साहब उस जमाने में हयात थे, उनके यहाँ उनके भाई भी हयात थे, वो आपस में उनकी दोस्ती थी। उस हवेली से गुजरते हुए, मुख्तलिफ हवेलियों में से होते हुए, अजीज वकारब और रिश्तेदारों को 70-80 लोग जाके जब सलाम करते थे तो पता लगता था कि वाकई आज ईद आ गई। और ईद पे जब हम फकीर खाने के अंदर पहुंचते थे, तो हमारी मेरी वालदा, मेरी चचियां, मेरी फुप्पो, मेरी सारी बुजुर्ग खवातीन को बस पता है कि भाई 9 बजे नमाज अगर ईद की होगी तो ये लोग 11-11:30 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदारों को। और फिर हम लकी भी इस सेंस में है कि बिल्कुल मेरे घर के पास अस्ताना आलिया है, जहाँ पे मेरे बुजुर्गों की कबूर है, वहां पे हम फातिहा पढ़ना,
और फातिहा पढ़ के और एक बड़ा बड़ी बल्कि उन्हीं से शुरू होता था वो फातिहा पढ़ के, फिर हम जब घर पहुंचते थे तो वालदा साहबा को ईद मिलना, फूफियों को, चचियों को, और उनसे अपनी ईदी की ईदी का तकाजा करना, और बड़ी मामूली सी ईदी होती थी, यकीन कीजिए 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 5 रुपए तो बड़ी ईदी थी। तो उन्होंने एक मयार बनाया हुआ था कि बच्चों को 2 रुपए देंगे और जो बड़े हैं उनको 5 रुपए देंगे। तो वो चीज, वो खुशियां, वो मजे मजे के पकवान, और पकवानों में क्या जी, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारे यहाँ क्या कुछ होता था। हाँ, मुझे अभी भी खुशबू आती है उन चीजों की। और जिस तरह सेवियों का शीर खुरमा बनता था हमारे यहाँ, शायद ही कहीं और बनता होगा, और शीर खुरमे पे जो हमारी राल टपकती थी, वाह, उस मेवों के साथ, और उसपे कोकोनट, वालदा सारी रात कोकोनट को पीसती थी, उस शीर खुरमे को कोकोनट डालती थी, थोड़ा सा क्योड़ा डालती थी, क्योड़े की खुशबू महक जाता था घर। तो मीठे से हम शुरू होते थे, और फिर हमारे बाजार में भटूरे बड़े मजे के मिलते थे। भटूरे आपने कभी चखे? जी, मैंने इधर लंदन में जब होता है ना हमारा बाबा जी गुरु नानक का, तो हम लोग जाते हैं, तो वो मेरा हमारा हम पूरी फैमिली, तो हमारी बहुत अकीदत है उनके साथ भी, तो हम फिर उधर स्पेशल भटूरे, उनके भटूरे, चने और बाकी सब चीजें होती हैं, तो वो पूरा का पूरा एक तरह से भाटी दरवाजा के भटूरे हैं, वो बड़े यूनिक हैं। वो खीमे के और उसके अंदर चिकन के भी होते हैं, फिर दाल के भी होते हैं, और वो बड़े मजे से, और फिर जनाब हमारे नाश्ते और हलवा पूरी के नाश्ते और ये सिलसिले, और फिर सारा खानदान दोपहर क्या वो ब्रंच ही हो जाता था, तो लंच क्या करना था, फिर वहीं पे सारी फैमिली बैठी रही। फिर ईद करने के बाद फिर होता था सारी फैमिली अपने अपने घरों को जाती थी, तो वापसी में हमारा बड़ा कब्रिस्तान मियानी साहब, वहां पे जो हमारे बुजुर्ग होते मतलब उनकी कबूरों पे जाके फातिहा पढ़ने, और फिर अपने अपने घरों को। तो ईद हम कभी भूल नहीं सकते, और ईद की वो मोहब्बत और वो जो एक बाउंड्री होती थी, कमाल है। यकीन कीजिए कि जिस वक्त हम ईद, अब तो सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, उस जमाने में क्या ये बात थी, जब तक हम 6-7 सफों के लोगों से आपस में ईदें ना मिल रहे तो वो ईद होती नहीं थी। क्या गरीब क्या अमीर, सब एक दूसरे की ईद मिल रहे हैं, जो जानते हैं या नहीं जानते, भाई ईद मुबारक, वो भाई ईद मुबारक, वाह सुभान अल्लाह। फिर एक तरफ से जाना और दूसरे गेट से बाहर बाहर निकलना, इसका एक अपना समा था। क्या याद करा दी, जब सुबह ईद है और दिल को ये ख्याल आता है कि यार उस तरह की ईद अपनी मन हो सकती, सर अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है। आप हिस्ट्री हैं फकीर साहब, आप एक शख्स नहीं है, आप शख्सियत तो हैं, लेकिन आपका मैं जो इंट्रोडक्शन में मैंने जो बात की, आप यकीन कीजिए ये मैं ना आई मीन इट, क्योंकि आपसे मुलाकात में भी मैंने देखा है, और अभी तो अगली दफा मैं आई तो बेटा मेरा तो साथ आपसे मिलने के लिए तो वो जरूर पहुंचेगा, तो फिर हमने आपके ना उधर के भटूरे भी खाएंगे। लेकिन अभी मुझे ये बताइए, इतना बड़ा नाम आपके खानदान का, आप लोगों ने इतना, आप हम्बल है, ये फकीर आपके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, पहले इसकी मुझे हिस्ट्री थोड़ी सी बताने जानना चाहते हैं। रिसेंटली ये एक टेलीविजन पे भी बताने की कोशिश की थी। हम लोग, हमारा जो खानदान है शगुफ्ता बीबी, हमारा खानदान सैयदों का खानदान है, बुखारी सैयद है, जलालुद्दीन सुरपोश शेरशाह हैदर की हम औलादे हैं, जो कुछ शरीफ के पीर थे जिन्होंने 12वीं या 13वीं सदी ईस्वी में पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, और ये हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के ये मुरीद थे, और जलालुद्दीन सुरपोश सेंट्रल एशिया से आए थे, बुखारा से आए थे, इसलिए बुखारी कहलाए हैं। तो इस बड़े सगीर में जितने भी बुखारी हैं 99% उन्हीं की औलादों में से बुखारी कहलाते हैं। खैर, उनका एक ऑफशूट लाहौर आ गया, उनकी औलादों में से औलादें चलती हुई, और ये मेरे जो बुजुर्ग आए तो वो 1730 के एंड में लाहौर आए। It was downfall of Mughal Empire. और यहाँ पर अगवानी अब्दुल समद और ज़करिया खान ये गवर्नर्स थे, ये लेटर मुगल पीरियड के गवर्नर्स थे, जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत यहाँ पे काम करते थे। खैर, मेरे बुजुर्गों का वहाँ पे हो गया, उनसे मुलाकात हो गई, और वीर मुंशी की उनको लाहौर फोर्ट में नौकरी मिल गई। तो अभी वो बच्चा उनका छोटा ही था, तो ही पास्ट अवे
नहीं, हमारे खानदान में एक हमारे एक और उनके जो दोस्त थे हकीम अब्दुल्ला अंसारी, उन्होंने उनकी परवरिश की है उस यतीम की। और जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो जो शेवा उसके अजदाद का होता है, यानी कि रियाजत है, इबादात है, इलम है, सब उनके दामनगीर रहता है। तो उन्होंने फिर जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक पेशा अख्तियार किया। पेशा वो बहुत बड़े हकीम भी थे, वो जनाब अपने उन्होंने अपने अपने वालिद के दोस्त से तमाम हिकमत सीखी, फार्मेसी सीखी। फिर उन्होंने काम किया, शुरू कर दिया कि एक बिजनेस शुरू किया पब्लिशिंग हाउस का। अब आप ख्याल रखिए कि उस जमाने के अंदर किताबें जो सी होती थी री राइट कराते थे, हमारे यहाँ पब्लिशिंग हाउस नहीं होते थे, तो ये बड़ा ही हाथ से लिखते थे मखतूते। तो उसके लिए पूरा एक उन्होंने मदरसा भी कायम किया और खताती का स्कूल बनाया। फिर बुक बाइंडर्स की जरूरत थी तो बुक बाइंडर्स रखे, फिर इलस्ट्रेशन की जरूरत थी तो पेंटर्स रखे। हाँ, ये बड़े मजे की बात है कि उस जमाने में 1700, ये बात करो 1760 की 70 की, उस जमाने में जो बुक बाइंडर्स और ये सारा कुछ रखे तो फिर पेंटर्स की जरूरत पड़ी, कि उसके अंदर इलस्ट्रेशन बनती थी तो पेंटर्स भी उस पर काम करते थे। फिर किताबों को सहाफ करते थे, यानी कि बांधते थे, जो जिल्द साजी होती है, वो बहुत बड़ा फन है जो आज हमारे माशरे से चला गया। और फिर आपको शगुफ्ता जी एक बड़े मजे की बात, हमारे यहाँ कागज नहीं होता था, कागज सियालकोट से आता था और कागज कश्मीर से आता था। तो कश्मीरी और सियालकोटी कागजियों को बुला करके लाहौर में अपनी हवेली के सामने मल्ला कागजियां बात किया उन्होंने कि भाई कागज लाहौर में बने। क्या कंट्रीब्यूशन है, देखिए ना, हिस्ट्री है बिल्कुल। तो वो कागज, क्योंकि अंदरून शहर में पानी जो कुएं के थे वो खारे थे, इतने अच्छे नहीं थे, तो मियार कागज का अच्छा नहीं था। फिर ये फैक्ट्रियां इन्होंने रावी के किनारे शिफ्ट कर दी तो वहीं पर कागज के कारखाने बने। तो ये जी उस जमाने का दौर है। तो वाइल बुक सेलिंग क्या होती थी कि उस वक्त खानकाहों में, गुरुद्वारों में भी, खानकाहों में भी, और इम्पोर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे बुजुर्ग बैठते थे, प्यासा कुएं के पास जाता था। जो स्टूडेंट्स थे वो इन बुजुर्गों के पास जाके अपनी तालीम हासिल करते थे, तो वो फिर इनको ऑर्डर्स दिया करते थे। तो मेरे बुजुर्ग फकीर सी गुलाम मुहियुद्दीन, जिनको फिर लकब नौशासानी का मिला, इन्होंने इनको एक बुजुर्ग मिल गए अमानत शाह कादरी, जो नौशाइया सिलसिले से थे। आप मिस्टिसिज्म में सिलसिले चलते हैं, एक सिलसिला है नौशाइया, कादरिया और दूसरे भी सोरवदिया, वो नौशाइया सिलसिले से थे। तो उन फकीर इमानत शाह कादरी के हाथ पे उन्होंने बैत कर ली। तो कहा यह जाता है जो मंजिलें सालों की थी दिनों में तय हुई, और उन्होंने जब हाथ पे बैत कर ली तो बैत के बाद मुर्शिद उनसे इतने खुश हुए। जी सॉरी, बैत के बाद मुर्शिद उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने लकब जो फकीर इमानत शाह कादरी का लकब जो फकीरी का था वो इनको अता कर दिया। अच्छा, वही लकब चलता हुआ उनके तीन बेटों के नाम के साथ जुड़ा। तो सबसे बड़ा जो बेटा पैदा हुआ तो उनका नाम फकीर अजीजुद्दीन रखा, दूसरे बेटे का नाम फकीर सैयद इमामुद्दीन रखा, तीसरे का नाम फकीर सैयद नूरुद्दीन रखा। तो आज वो जो फकीरी का लकब है, टाइटल चलते 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 हमारी 8-10 नस्लें गुजर गई हैं जी। मैं तो वैसे 7वीं नस्ल हूँ, क्योंकि मेरी कुछ लीलियां थोड़ी स्लो थी, तो अभी 10 नस्लें भी हैं। तो हमारे जितने भी औलाद नरीना हैं, जितने भी हमारे मेल्स हैं, वो इस टाइटल को अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। और फिर आपको एक छोटा सा वाक्य सुना दूं, इस फकीरी का मकसद क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोटो है अल फकरो फखरी वल फखरे मिन्ना, कि मुझे अपनी फकीरी पे फखर है और फकर मुझसे है और फकर मुझसे है और मुझे अपनी फकीरी पे। तो कहने का मकसद है कि रजीत सिंह का दौर था, आपको पता है कि मेरा खानदान 19th सेंचुरी में महाराजा रजीत सिंह के साथ जुड़ गया। इस पे तो तफसील बात करनी है, बिल्कुल हम आते हैं अभी उस तरफ भी। तो जब ये रजीत सिंह का दौर था, तो एक दिन, क्योंकि मेरे बुजुर्ग फकीर अजीजुद्दीन फॉरेन मिनिस्टर थे, तो कुछ सिख सरदारों ने इतराज किया कि महाराज तुसी हर जगह फकीर मुगिसुद्दीन फकीर अजीजुद्दीन नु भेजते हो, अंग्रेज की कहेंगे कि महाराज को कोई राजा महाराजा नहीं, एक फकीर नु सरनल नेगोशिएशन वास्ते भेजते ने। ते हुआ ऐसे
महाराजा ने कहा कि फकीर साहब हम चाहते हैं आपका आपको कोई राजे महाराजे का टाइटल दे, तो आपने मुस्कुरा के इनकार कर दिया। कहते अच्छा इसका मतलब तो बताएं फिर, आपका ये फकीरी का टाइटल का मतलब असल में क्या है। कहते देखिए महाराज, अगर मेरी नस्ल आने वाली नस्ल अमीर हो जाए तो उसमें गरूर पैदा ना हो, और अगर मेरे आने वाली नस्ल गरीब हो जाए तो ये टाइटल उन पे भारी ना गुजरे। तो शगुफ्ता जी अब आप देखिए कि कितने हम कितने जमाने में हम कितने लोगों को हम जानते हैं जो बड़े बड़े नवाब थे, बड़े बड़े राजे थे, तो आज उनको नवाब साहब कह दें, राजा साहब कह दें, यार ना को शर्म आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7-8 नस्लें गुजर गई हमारी, 10 नस्लें हम अपने नाम के साथ फकीर लगाते हैं, ना ये हम पे भारी गुजरता है, और जो हम लोग अमीर हो जाएं तो हम पे हमारे अंदर गुरूर ना पैदा हो। तो ये टाइटल का मकसद ये था। देखें ये मैं आपको बताऊं सैफ साहब के ये फकीर का जो लफ्ज है, मैं इसको तो पूरी तरह अंडरस्टैंड कर रही थी, कर चुकी भी थी, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी और मैं नाज़रीन को बताना चाहती थी ये एक मिस्टेक है। और जो ये आप लोगों की पूरी जो नस्लें हमने नहीं देखी, लेकिन हम आपसे मिले, आपके अंदर वो मिस्टिसिज्म जो है, वन कैन फील इट। आपका देखिए, आपको आप सब दुनिया के लिए, आप पूरी बनी नो इंसान के लिए एक इतने, मतलब मेरे पास वो लफ्ज नहीं है जो मैं अपनी फीलिंग्स उस तरह नहीं बता सकती। और जो नाम और जो अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया है, इसमें कोई शक नहीं, खुदा को पता होता है कि कौन सा बंदा किस तरह से। लेकिन चलें, ये तो माशाल्लाह बहुत, क्योंकि बहुत लोगों ने असल में ना मुझसे, जब मैं कर रही थी तो मैं थोड़ा रिसर्च करते करते, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आपने सैफ साहब से ये जरूर पूछना है कि फकीर का, तो मैं ये ऑडियंस की ख्वाहिश पे ये सारा मैंने पूछा। तो अभी अगर हम इस तरफ आ जाएं सर, कि एक एक चीज की कमी रह गई है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको बता दूं, ये लफ्ज फकीर है क्या जी, बताइए फकीर होता कौन है। हदीसे कदुसी है कि अल्लाह ने कहा कि मैं पहचाना जाऊं और मैं खुल्क को तख्लीक किया। अल्लाह की जो पहचान करते हैं लोग, वो उनका तरीकती नाम फकीर है। फकीर वो लोग होते हैं जो अल्लाह की पहचान का हक अदा करते हैं या अल्लाह को पहचानते हैं। तो हकीकत में ये बात भी है। तो वल्ला आलम जी, हमारे साथ तो भी टाइटल चल रहा है, दुआ करें उस मकाम पे पहुंच जाए कि कोई पहचान हासिल हो जाए। आपकी ये ना आजजी है कि आप ये बात कह रही हैं, वरना आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो एक बहुत नाचीज और तालिब इल्म हूँ इस रास्ते की, इल्मी और अदबी उसमें, और स्पिरिचुअलिटी में को जानने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपके घर में आपकी मौजूदगी का एहसास, मेरे अपने बेटे ने ये कहा कि मामा देर इज समथिंग वेरी स्पेशल एनर्जीज इन फकीर खाना म्यूजियम। आप देखें, ये वो बच्चा था जो 18 साल की उम्र में आपके पास, फिर उसके बाद 19 साल की उम्र होगी उसकी, उसने कहा, और फिर जब उसने फिर एक और बात कही कि जब आपने कहा, आपको भी वो चीज कुछ फील हुई कि आपने जब आपका आखिरी वाला जो रूम था जिसमें से आपने स्पेशल, और वो जो आपने रिंग भी निकाल के उसको दिखाई, मुझे लगा, हाँ मुझे उस वक्त ये लगा कि जैसे, और मैं ये बात नाज़रीन के सामने कहने में बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करती कि जिन जिन बुजुर्गों की आपके पास कलेक्शन है, नवादरात जो भी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और आप भी कोई मामूली एनर्जी सोर्स नहीं है, आप बहुत बड़ी एक मिस्टिसिज्म की एक लाइन है, और ये जानने वालों पे है, और बहुत सारे जानने वाले जानते भी हैं। तो सर मुझे असल में बहुत इंटरेस्ट है इस बात का कि आपके बुजुर्ग जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ बहुत उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, और मैं तो आपको नाम ही ये देती हूँ कि लाहौर का जो जो है सारा हिसाब किताब, एक जो यूनिवर्सिटी है लाहौर, उसको यूनिवर्सिटी बनाने में, इस शहर को, आपके खानदान का, आपका, आपके इस म्यूजियम का, फकीर खाना म्यूजियम, देखें एक ही प्राइवेट म्यूजियम है, तो कुछ उसके बारे में बताइए, हमारे जो नाजरीन जो हैं वो इन डिटेल जानना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम सिलसिला शुरू करेंगे कि आपका और सिखों का, आपके खानदान का और सिखों का, और वो जो दोस्ती और प्यार हमारा,
हमारी सिख कम्युनिटी के साथ, हमारे भाई हैं सारे और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, तो इस सिलसिले में आप जरा गाइड कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने अब आपके कई सवाल इकट्ठे हो गए जी, मैंने कहा कि मैं आपको सुनना चाहती हूँ, मैं इसलिए आपको एकदम से मैंने सारे सवाल कर दिए। मैं वहीं से शुरू करता हूँ, मिस्टिसिज्म की आपने बात की है जी। देखिए शुगुप्ता जी, हम इस 21वीं सदी में पहुंचे हुए, हम कैसे को पहचानेंगे मिस्टिसिज्म को? लोगों ने दुकानदारियां सजाई हुई है, सिलसिला सजाया हुआ है। तो रूहानियत को पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका एक क्राइटेरिया है, वो है आपका दिल। वाह। अगर आप किसी भी शख्सियत से मिलने के बाद आपको दिल की राहत महसूस होती है और आपको दिल का सुकून महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि वहां पे रूहानियत है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जीज हैं और वहां पे खैर और बरकत है। और हम कई लोगों को दुनिया में मिलते हैं जो हमारे करीब बैठे हैं, हमसे खुशगवार भी हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, मगर हम दिल से बेजार हो जाते हैं कि यार ये कब तशरीफ लेके जाएंगे। तो ऐसा भी होता है हमारे एक्सपीरियंसेस में। तो शगुफ्ता जी, तो रूहानियत का तो जवाब मैंने आपको ये दे दिया कि किसी किसी बुजुर्ग की जरूरत नहीं है, उसकी कसौटी, उसकी कसौटी आपका दिल है। जो आप जाती तौर जो जिसको आप खुद समझ सकती हैं, वो एक्सपीरियंस आप किसी को बयान भी नहीं कर सकते, आपका दिल गवाही देगा। और दिल मजाक नहीं है जी, पहली बात ये। रही बात, आपने फकीर खाना और लाहौर का जिक्र किया, तो फकीर खाना म्यूजियम में इस वक्त 20,000 के करीब एंटीक्स मौजूद है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि हमारी शुरुआत हुई थी बुक कलेक्शन से, मखतूतों से, 1800 के करीब मखतूते आज वहां पे महफूज हैं। मखतूते मींस मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ की लिखी हुई बुक्स। इसके साथ साथ क्या है, मिनिएचर पेंटिंग्स का बहुत बड़ा बड़ा कदीम बड़ा कमाल खजाना, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक रखती हुई मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जिसमें मुगल भी हैं, रियासती तर्ज मुसवरी भी है, और कश्मीरी तर्ज मुसवरी जिसको हम पहाड़ी स्कूल कहते हैं उसका बहुत बड़ा कलेक्शन है, राजपुताना पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग्स का एक बड़ा ही नायाब और बड़ा ही खूबसूरत, तो दरअसल इस आई डोंट नो, आपसे बात करके बड़ा मजा भी आ रहा है। मुझे लगता है ये इंटरव्यू को बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपके सामीन पता नहीं से बोर ना शुरू हो जाए। हमने आपको ना ये आपका सर पार्ट वन करके हमने इसको हमारा ये चलेगा चांद रात पे अभी, और उसके बाद हमने आपको कंटिन्यू करना, क्योंकि आप तो एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। और जैसे देखे ना पेंटिंग की बात की, तो हम इसको पेंटिंग को मिनिएचर्स और इसके सब को हम एक अलग टॉपिक में करेंगे। तो अब आप, आपको गिमी टीवी ने छोड़ना नहीं है, बस ये आप ज़हन में रखिए। ये जो गिमी टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ जी, अल्लाह करे ये हो और प्रिजर्व भी हो जाए। बात इंसान का पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। वो बहरहाल मिनिएचर पेंटिंग से हमारा, देखिए मैं आपको सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि हमारा जो फन था बरसगीर का, हिंदुस्तान का, वो था चित्रकारी या चित्रकार, जिसको हम पेंटिंग कहते हैं। सही। अच्छा, हमारे यहाँ चित्रकारी है यानी पेंटिंग करना, और जो पेंटिंग करता वो चित्रकार है। यही फन हिंदुस्तान से बाहर निकल, यही फन, यही चित्रकारी या यही पेंटिंग ईरान में भी होती थी। ईरानी इसको मीनातूरी बोलते हैं, और ये फिर आगे चली जाती है वही मीनातूरी वही मिनिएचर्स आपको टर्की में भी मिलेंगी, सेंट्रल एशिया में भी मिलेंगी। तो ओवरऑल इसको फारसी में मीनातूरी ही कहेंगे। तो यही वर्ड आगे जब लैटिन में जाता है तो मीनातूरी से मिनिएचर बन जाता है। मिनिएचर जी। तो मिनिएचर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इस पे फिर बात करेंगे क्योंकि हम अपने मौजू से हिल जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज आप क्या जनरल इंटरव्यू कर लें। तो मिनिएचर पेंटिंग्स का बहुत बड़ा खजाना है जी, घंटारा आर्ट है, चाइना वेयर्स हैं, कालीन है, जरूफ है, टेक्सटाइल है, कॉइन्स हैं, बड़े मजे मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जी।
20,000 से ज्यादा एंटीक्स हैं और एक तारीख, हम अपने बच्चों को इन म्यूजियम से लेके जरूर जाएं। अपने बच्चों को, हम लोग म्यूजियम में बहुत कम जाते हैं, ख्याल नहीं करते, म्यूजियम बना हुआ सामने से गुजर जाएंगे। जब तक आप अपनी तारीख से नहीं सीखेंगे, आप अपनी भी और अपने आने वाली नस्ल की भी को आप उनकी मंजिलों का तयन नहीं कर सकेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी तारीख से सीखना है, और तारीख से सीखने का मकसद ही सिर्फ ये होता है। अब तारीख आपकी कहाँ पे ना है, तारीख आपकी कहाँ पे महफूज है, आपके अजायब घरों में पड़ी हुई है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी अपने बच्चों को अपनी तारीख दस ही फैसल दिखाइए, उन्होंने हकीकत दसीए। अपनी गलतियों की भी निशानदेही हो जाती है, अपनी गलतियों से भी हमने सीखना है कि नहीं सीखना। बिल्कुल सीखना है, बिल्कुल सीखना है। जी जी, तो ये ऐसे है। अच्छा, तीसरी बात आपने महाराजा रणजीत सिंह की मुझसे की अपने उसमें, तो देखिये महाराजा रणजीत सिंह, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको हकीकत बताऊं कि महाराजा रणजीत सिंह के बहुत के बारे में हमारे स्कॉलर्स बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। अब मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के वसासत से, क्योंकि कल ईद है, हाँ जी, तो एक आपको तारीखी ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूँ। तारीखी ब्रेकिंग न्यूज, ये कैसा रहेगा? सॉरी टू आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी हम आपकी ब्रेकिंग न्यूज जो है अभी आपसे सुनते हैं, हमें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए और आपके पास हम दोबारा आते हैं। आपने यही रहना है और नाज़रीन आपने भी कहीं नहीं जाना, हम अभी गए और अभी वापस आए, क्योंकि हमने आज पूरी ये रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की और सैफ साहब की और ये पूरा का पूरा इनकी फैमिली की हिस्ट्री और कुछ गलत फहमियां, कुछ जो नहीं लोगों को पता, जो मुझे भी नहीं इतना पता, वो आज हमने बिल्कुल जो सही सच्ची सच्ची बात जो है ना, हमने सारी सुननी है। तो जस्ट अ लिटिल ब्रेक एंड वी आर कमिंग बैक। जी, वेलकम बैक। और एक छोटी सी ब्रेक हमने ली और इतना हमें मजा आ रहा है शो का, यकीनन आप भी सब पूरी दुनिया में जहां जहां बैठे हैं और इंडिया में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कोपेनहेगन में, कनाडा में, जहां जहां भी हैं, तो आपको यकीनन आपका मजा आ रहा है। तो बैक टू द सैफ साहब, सर जी, हम बात करते महाराजा रणजीत सिंह का और आपके खानदान का और कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, और उसको भी आज हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं कुछ सच्ची सच्ची बातें करनी। तो जी बताइए आपके खानदान का और महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है, अर्जित है, मुझे याद आ गया कि आखिरी जब मेरी गुफ्तगू ब्रेक से पहले हमने, मैंने कहा था मैं आपको एक तारीखी जी जी ब्रेकिंग तारीखी एक ब्रेकिंग न्यूज होती है जो हाल की होती है। तारीख में एक दफा क्या हिस्टोरिकल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। आप डू यू बिलीव मी कि बादशाह मस्जिद में, जिसकी हम सुबह नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो बादशाह मस्जिद में पहली दफा मुसलमानों की ईद की नमाज पहली दफा महाराजा रणजीत सिंह ने 1811 में पढ़वाई थी। वाह, वाह, और इसका रिकॉर्ड महफूज है जी। वाह, इसका रिकॉर्ड छप चुका है जी, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। बादशाह मस्जिद, बादशाही मस्जिद जिसको हम औरंगजेब आलमगीर या फिदाई खान की बेसिकली ये मस्जिद है, ये अबैंडेड थी। ये इसके फर्श कच्चे थे, इसकी दीवारें नहीं बनी थी, इसके सिर्फ तीन गुंबद अंदर वाले और बाहर की ड्योढ़ी और चार मीनार सिर्फ बने हुए थे, और इसके अंदर वजू का हौज जो दारा शिकोह की हवेली से उठा के लगाया गया था संगमरमर का, वो चालू था। मुसलमान यहाँ नमाजें नहीं पढ़ते थे, इसको ईदगाह के तौर पे भी याद किया जाता। तो एक दिन महाराजा रणजीत सिंह फकीर साहब को कहते हैं कि जिस तरह मैं हिंदुओं के खुशियों पे, दशहरे पे या होली पे मिठाई और शिरीनी तकसीम करता हूँ,
तो मुसलमानों की खुशियों पे भी मैं मिठाई और शीरीनी और चीजें तकसीम करना चाहता हूँ मुसलमानों को। फकीर अजीजुद्दीन ने कहा जनाब ये तो बड़ा नेक ख्याल आपका मालूम होता है, बहुत अच्छी बात है कि जी मुसलमान को कहे कि कल ईद की नमाज है दो दिन बाद, 1811 की बात कर ईद उल फितर की, कि मुसलमानों को कहे कि तमाम मुसलमान यहाँ पे आए और नमाज पढ़े। तो शगुफ्ता जी ये हुआ मीनादी करार की गई जी महाराजा रणजीत सिंह ड्योढ़ी में बैठेंगे मस्जिद की, और आप लोग जब नमाज पढ़ेंगे तो जी महाराज आपको प्रसाद भी देंगे और आपको मिठाई भी तकसीम करेंगे और आपको खिलते भी देंगे, खिलत मतलब कपड़ों की तोहफे भी देंगे। लो जी मुसलमानों को कई सदियों से आदत थी कि घर की सामने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। बादशाह मस्जिद तक पहुंच जाए, चंद सौ लोग इकट्ठे होकर बादशाह मस्जिद सरकारी हुक्म पे गए, महाराजा रणजीत सिंह बैठे, उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन को देखा, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि लाहौर तो मुसलमानों से भरा पड़ा है, सही, सिख मिनोरिटी में था, हिंदू भी मिनोरिटी में था, ज्यादा तादाद तो लाहौर ही मुसलमानों की थी, इतने कम लोग क्यों आए हैं। तो महाराजा वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन ने कहा कि महाराजा फिक्र ना कीजिए, हमारी दो ईदें होती है, दो महीने 10 दिन बाद दूसरी ईद आएगी तो सब मुसलमान ही आएंगे। तो जनाब ठीक 2 महीने 10 दिन बाद ईद उल जहा आई, सरकारी तौर पे तमाम मस्जिदों में ताले डलवाए गए, सिपाही खड़े किए गए और मुसलमानों को डंडे के जोर पे पहली दफा ईद उल जहा 1811 में बादशाह मस्जिद में पढ़ेगी। अब जो शख्स सवाल ये पैदा होता है, जो शख्स मस्जिद को आबाद कर रहा है क्या वो मस्जिद को तबाह करेगा? फैसला आप कीजिए। नेवर एवर। क्या वहां पे घोड़े बांधेगा? नेवर एवर। क्या वहां पर बारूद खाने बनाएगा या वहां पे रंगो सुरूद की महफिलें करेगा? बिल्कुल नहीं, कोई मस्जिदें नहीं थे। नहीं। दरअसल हकीकत में कुछ और है, लोग इसको जानते नहीं है, लोग इसको पहचानते नहीं है। तो शगुफ्ता जी मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे ना छेड़िए, मैं तो आपको इतनी इतनी किस्से और इतनी इतनी कहानियां सुनाना शुरू कर दूं कि जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो सर ये हमारे हिस्ट्री में, हमारी बुक्स में, हमारे सिलेबस में ये सच्ची चीजें क्यों नहीं शामिल की गई? क्योंकि ये सच्ची चीजें इसलिए शामिल नहीं की गई कि अंग्रेजों ने जब 1849 में पंजाब पे काबिज हुए और तीन हम ऑलरेडी लड़ाइयां एक आपस में लड़ चुके थे और दो अंग्रेजों के साथ जब हुई, उन्होंने प्लान किया बकायदा कि इस पंजाब के साथ करना क्या। उन लोगों ने हमें हमसे हमारी जबान छीनी। इस तरफ के पंजाब के लोग, मुझे बड़े लोग इतराज करते हैं, अभी आपसे इंटरव्यू हो रहा है और अभी शायद आपको कमेंट्स आएंगे कि फकीर साहब पंजाबी नहीं बोल रहे। कोई गल नहीं, बोलेंगे पंजाबी भी अपनी जबान कोई गल नहीं। देखो पंजाब दा सपूत होके पंजाबी नहीं बोल रहे, मतलब जी बिल्कुल बोलनी चाहिए, असि बोल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी साडी जबान है, मदर लैंग्वेज है, फखर है सानू पंजाबी ते, फखर है सानू पंजाबी ते, मैं ते अपने बच्चे नाल भी पंजाबी बोलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी हिस्ट्री पंजाबी दसो, बिल्कुल दस सकने आ, जेड़ा वर्ड पंजाबी ते असि पंजाब। तो कहन दा मकसद है कि महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसी खूबसूरत दास्तान है, अगर मैं उसकी एक एक स्टोरी तानू मैं सुनानी शुरू करा तो यकीन करो यह कई प्रोग्राम लग जाएंगे। वल्ला आलम तुहाडे दर्शकां नूं तुहाडे व्यूअर्स नूं वो स्टोरीज पसंद आनगियां नहीं आनगियां, मगर कमाल स्टोरीज थे। नहीं लेकिन ये आप मुझे आज तो थोड़ा सा आप बताएं, लेकिन ये जो है ना ये मेरा आपके साथ आप मुझसे बल्कि ये वादा करें कि ये पूरी की पूरी स्टोरी तो हम हिस्ट्री बना के इसको तो मैं हर सूरत, क्योंकि देखें ये जो नफरतों का सिलसिला शुरू हो गया हमने उसको काउंटर करना है, जो अगर अंग्रेज ने किया है या जिस किसी भी साजिश के तहत हुआ है उसी को तो काउंटर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारा जो है मैं अपनी बात भूल गया था, मैं किसी और तरफ चला गया था, आपने अच्छा किया मुझे फोकस कर दिया। ये हुआ क्या हमारे साथ, देखिए शगुफ्ता जी जिस तरह जेनोसाइड किया जाता है
आप वर्ड समझती है ना, जेनोसाइड, बिल्कुल समझ, नस्ल कुशी जब की जाती है। हाँ जी, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, हमारी मेमोरी साइट की, इनकी इनको इनकी बुनियादों से काट दो, हम अपनी तारीख को ना पहचान सके, हम अपनी ग्लोरी को ना ढूंढ सके। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। रंजीत सिंह को हम एक सिख राजा समझते हैं और उसका स्कल्पचर मैंने बना के उसकी 180 बर्थडे के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया लाहौर फोर्ट पे, जो कि आपने शायद देखा भी हो या मैं उसकी तस्वीर भी आपको भेजूंगा। तो वो स्कल्पचर जो सा है इंडिया और पाकिस्तान, ऐसा खूबसूरत स्कल्पचर महाराजा रणजीत सिंह का किसी ने नहीं बनाया पूरी दुनिया में, जो डिटेल वर्क में का। तो बड़े लोग उस पर नाराज हो गए, ये तो मुसलमानों का कातिल था, इसने तो मुसलमानों पे जुल्म किए हैं, इसने तो जनाब हमारी मस्जिदों पे घोड़े बांधे हैं। और एक नहीं, बड़े बड़े लिखे, बड़े समझदार लोग, एक कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी कर दी। जब मैं अकेला उनसे सिर्फ सवाल पूछता था, ओके इसका जरा जुल्म मुझे गिनाओ मुसलमानों का, इस पे इसने कौन सा जुल्म किया, मुझे एक जुल्म गिनाओ, तो वो जुल्म नहीं गिना सके। जी देखें, इसने मुल्तान फतह किया, भाई एक हाकम हाकिम है और उसने मुल्तान का उसने पूरा इलाका फतह करना था। तो जब जंग होती है तो वहां पे लोग मरते भी हैं, शहीद भी होते हैं, एक दूसरे पे फतह हासिल करते हैं। जंग के आलम का और मामला है, कोई पर्टिकुलर बताए कि इन्होंने फलानी जगह पे फलानी मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया, इनके पास कोई इसका जवाब नहीं होता। कहने का मकसद है कि मैं आपको बताऊं, एक दिन महाराजा रणजीत सिंह अपने ख्वाबगाह में खड़े हुए थे, ख्वाबगाह शीश महल लाहौर फोर्ट में। तो खिड़की से बाहर देखते हैं तो क्या देखते हैं, सड़क के ऊपर एक बैलगाड़ी जा रही है, और बैलगाड़ी जा रही है तो अपने नौकरों को कहते हैं, ये क्या, कौन शख्स है जो दरिया रवि की तरफ से आया है और मुल्तान की तरफ जा रहा है, इसको बुलाओ, इसके पास क्या चीज है। हरकारा भेजा गया, कारदार ने आके बताया कि जब महाराज ये एक कातुब है, कातुब कहते खतात है, टेलीग्राफिस्ट है, ये एक कातुब है जो सबड़ियाल का रहने वाला है, और कहता है कि उसने तमाम जिंदगी सर्फ करके एक कुरान पाक लिखा है। ठीक, अच्छा, उन्हें कहा उस कुरान पाक को भी ले और कातुब को भी इज्जत से ले आओ मेरे दरबार में। जब दरबार उसके ख्वाबगाह में पहुंचा तो फकीर अजीजुद्दीन को बुला लिया कि फकीर साहब अपनी चादर मेरे बिस्तर पे बिछाएं, क्योंकि पाक किताब यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या इसने लिखा है पूरी जिंदगी सर्व करके। तो वो बहुत बड़े कुरान पाक था, काफी बड़े साइज का। तो जब वो रखा गया वहां पे, तो इशारा किया फकीर साहब को कि आप पढ़ें। तो उन्होंने यूं करके जब कुरान पाक खोला तो रेंडमली सूरह यूसुफ की कुछ आयात निकली सामने पेज पे। तो आपने, क्योंकि अरबी जबान में था, खत नस्ख में था, तो जब आपने पढ़ा तो उसका पंजाबी में तर्जमा करके सुनाया, तो महाराजा हैरान हो गए। महाराज कहते, फकीर जी मैनू ए दसो कि कुरान पाक ते ग्रंथ साहब इच की फर्क है। फकीर आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, महाराजा खुद सिख, फकीर साहब सूफी मंच इंसान। तो फकीर साहब ने मुस्कुरा के कहा, कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ आप ये देखें कि जो कुरान पाक है ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का फरमान है, वर्ड ऑफ गॉड है, और जो ग्रंथ साहब है ये अल्लाह के चोजन बंदों की जबान है, बात मैसेज एक ही है। कहता तो हम कुरान पाक का मैसेज कैसे जानेंगे, इसका पंजाबी में तर्जुमा होना चाहिए। कि जी बिल्कुल होना चाहिए। तो रणजीत सिंह के हुक्म पे सरकारी तौर पे पहली दफा कुरान गुरमुखी और शाहमुखी में लिखवाया गया, उसका तर्जुमा कराया गया। ये मुझे आपसे पहली दफा पता चला है, देखें आप, और कितने कितने अफसोस की बात है कि हमारी हिस्ट्री क्यों नहीं हमें बताती, हमारी नई नस्ल को इसलिए नहीं बताती कि वो एक सिख राजा था जी, इसलिए नहीं बताती, इसलिए नहीं बताती कि अंग्रेजों ने धोखा दे के उसके बेटे को पंजाब से ले गए थे और कोनू हीरा छीन के उसकी
क्वीन विक्टोरिया को दे दिया था। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज आप कोहिनूर हीरा की तस्वीर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगें तो आपको तस्वीर नहीं देंगे, वो बहरे नूर की तस्वीर देंगे, ये दरियाए नूर की तस्वीर देंगे। कोहिनूर हीरा महाराजा क्वीन के क्राउन में नहीं है, वो उसके सेप्टर में है। वो इतना बड़ा हीरा है जी, अंडे जितना भी है, तो वो क्राउन में लग ही नहीं सकता। तो जो उसका सेप्टर होता है, जो डंडा जो हाथ में क्वीन पकड़ती है, उसके अंदर वो हीरा जड़ा हुआ है। तो छोड़िए, आप में से क्या कोई सवाल कीजिए आप। कितना कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है, कितनी, मैं तो बस आप देखें कि मैं समझती हूँ ये हमारा इतना अहम प्रोग्राम है, और इसलिए ये पूरी की पूरी जो आप जो चीजें मंजरेआम पे नहीं आई, और या जो भी, ये तो फिर पूरी की पूरी एक लंबी कॉन्स्पिरेसी है ना, जो कि अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है जी, अभी तक चल रही है। अब देखिए, अब देखिए, जरा थोड़ा सा गौर से देखिए। लेट्स थिंक अबाउट द पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह 1799 में आते हैं। अच्छा, हमारे तमाम मोरखीन, हमारे तमाम हिस्टोरियंस, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, वो एक मोटी सी बात नहीं समझते। वो लिखते हैं 1799 में, 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा किया। ये वर्ड आप समझती हैं? जी, मैं समझ रही हूं। जी, ये बात जो कह रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पे कब्जा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको शगुफ्ता जी ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि लाहौर के कम से कम 13 सिटीजंस और सीनियर सिटीजंस ऑफ लाहौर, जो थिंक टैंक थे लाहौर के, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह इस 19 साल नौजवान को, जो सक्कर चुके मिस्र का सरदार था, गुजरांवाला का रहने वाला था, इन्होंने इसको अपना सरदार चुना और एक लेटर लिखा कि हम भंगी सरदारों से जो लाहौर पे काबिज हैं, हम इनसे बड़े तंग हैं, और हम हर साल अफगानियों से, अहमद शाह अब्दाली की औलादों से बड़े तंग हैं। वो जब भी आते हैं 20-30 हजार बंदों के साथ आते हैं, हमें लूटते हैं, 6 महीने गुजारते हैं। नहीं जी, नहीं, तंग नहीं करते थे जनाब, अल्लाह माफी। कभी मैं आपको ये उस 18th सेंचुरी का लाहौर सुनाऊं ना, 1700 कुछ का, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, अल्लाह माफ कर दे, क्या जुल्म। 70 साल हमारे कन्हैया लाल ने लिखा है तारीख पंजाब में, 70 सदमे हुए लाहौर को, 70 सदमे, 70 times लाहौर लूटा गया। इसी तरह दिल्ली का हाल था, लाहौर और दिल्ली की फेट बड़ी करीब करीब मिलती है आपस में। तो ये 70 हमले करते थे, ये हर साल अपनी सर्दियां गुजारने लाहौर आ जाते थे, क्योंकि काबुल में ये सिर्फ, अगर हम अफगानिस्तान के ना फजूल है, उस वक्त अफगानिस्तान का मामला नहीं था, ईरान का, ईरान वाज रूलिंग अफगानिस्तान बेसिकली, देयर वाज नो बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान एंड एवरीथिंग। ये पर्शियन बादशाह थे सारे के सारे, नादिर शाह दौरानी हो गया, या जिसको नादिर शाह अफशार कहते हैं, या अहमद शाह अब्दाली उसके बाद हो गया, फिर आगे उसकी औलादें चली। तो ये आते थे, इन्होंने अटक क्रॉस करना, ये 5 दरिया क्रॉस करना उनकी प्रॉब्लम होते थे। ये सर्दियों में आते थे जब पानी जरा जमा होता था, कम होता था, ये दरिया क्रॉस करके आते थे। यहाँ पे हार्वेस्ट होती थी हमारी, जैसा अभी वसाखी का सीजन है, ये दिख कम है, हार्वेस्ट करते थे, हमारे दाने उठाते थे। हमारे पंजाब के लोगों को ये जुल्म और ज्यादती करते थे, हमारी बच्चियों को अगवा करते थे और स्लेव बना के हमें ले जाते थे, हमारे छोटे बच्चों को स्लेव बना के ले जाते थे, और ये हर साल इनका यही वतीरा होता था, हर साल यही करते थे। इसमें मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान बच्चों को छोड़ जाते थे, ये हिंदुओं को, ये हिंदू सिख मुसलमान ईसाई जो भी पंजाब के लोग थे उन पे ये जुल्म करते थे, ऐसा ही जुल्म था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मोरखीन ये बात अपनी अपने आने वाली नस्लों को बताते ही नहीं है। खबरें बताओ तो सही, जिनके नाम पर तुम अपने आर्सनल्स रख रहे हो। अब्दाली आपने क्या बोलते हैं, अपना आर्सनल बनाया, उसका नाम आर्सनल,
अरे ये लोग तो यहाँ पे आके हमें लूट के गए हैं, ये तो हमें रेप करके गए, हमारी बच्चियों को इन लोगों ने क्या कहते हैं बांदी बना के लेके जा रहे थे, और ये 70 साल तक हमारे साथ हुआ। तो लाहौर के लोगों ने बकायदा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि आखिरी जो बादशाह यहाँ से जाता है उसका नाम है शाह जमान, वो भी लूट के जाता है, जो उसके बाप दादे का काम था वही सारा करता हुआ जा रहा है। तो शाह जमान जब जाता है तो ये लोग इतने तंग आ जाते हैं कि हमारे पास अब लूटने को देने को कुछ है ही नहीं, रहे ही नहीं, घर थे, घर थे मगर घरों के दरवाजे नहीं थे, कई साल तक सिर्फ टाट लगा के दरवाजों का इस्तेमाल किया कर जाता था, क्योंकि दरवाजे तोड़ देते थे ये। ये हर घर में से जाके अनाज, अल्लाह माफी, एक दौर गुजरा था इन्हीं के एक गवर्नर्स में से एक दौर था शाह अब्दुल्ला, तो उसके बारे में एक आ गया आया दौर शाह अब्दुल्ला, आया दौर शाह अब्दुल्ला, नारे चक्की नारे या चूल्हा, हमारी चक्की और चूल्हा भी उठा के ले जाते थे। तो इतना जुल्म। अब ये नहीं कह रहा कि ये मुसलमान थे जी हमारे, हमें भाई कोई नहीं, दीन अपनी जगह पे, नाम उनके मुसलमानों वाले थे, वो अपनी जगह पे, हम देवर नॉट माई हीरोज, आई एम सॉरी। अमाल देखे ना कि वो इंसानों के साथ क्या कर रहे थे, इंसानों के साथ। अच्छा मेरा हीरो कौन है? जैसा सिंह मजीठिया। अच्छा अच्छा सवाल कीजिए, वो क्यों? हाँ जी। ऐसे एक दिन 1760s की बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद है, 64 या 67 की बात है। ये जैसा सिंह मजेठिया, मजेठिया का रहने वाला था, आलू वालिया, इनकी मिसल थी बड़ी, बहुत तकड़ी मिसल थी जैसा सिंह मजेठिया। तो वहां से आते हैं तो मजेठिया, मिसल से मुराद कबाइल हुआ ना, कबीला। जी जी जी, जी। पंजाब में ये 12 मिसलें हैं जी, ठीक है, पंजाब में ये 12 कबाइल थे, जिसमें से भंगी कबाइल, एक भंगी मिसल, एक भंगी मिसल, आलू वालिया मिसल, निशानियों वाली मिसल, नकइयों की मिसल, ये आरिफ नकई हमारे पंजाब के बहुत बड़े, आप जानते भी होंगे, पुरानी फैमिली होगी, स्टिल लिव इन पंजाब, नकइयों की मिसल, फैजपुरियों की मिसल, निशानियों वाली मिसल, सकरचूकिया मिसल, ये सारी मिला के तकरीबन ये भंगी, ये को तकरीबन आप करोड़िया मिसल, ये सारी मिसलें मिला के 12 मिसलें थी, पूरा पंजाब 12 मिसलों में, क्योंकि डाउनफॉल ऑफ जब सिख मुगल अंपायर हुआ है तो ये सिखों की ये मिसलें बड़ी ताकतवर हो गई। अच्छा हम इसको सिखों की मिसलें कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें मुसलमान भी उसी तरह दाढ़ियां बाल और सब कुछ रख के जैसे पगड़ियां बांध के उनके उन्हीं के साथ रहते थे, क्योंकि खाने के लाले थे, सरकारी नौकरियां नहीं थी, तो ये मिसलें बड़ी तकड़ी थी। इनमें से जो भंगी मिसल थी उसने भी तंग किया हुआ था ना, भंगी मिसल ने, जब महाराजा रंजीत सिंह को, हमारे जितने भी वो आप कह रहे हैं जितने भी हमारे जो थे अहले सुखन, और उन्होंने जब उनको रिक्वेस्ट की है महाराजा रंजीत सिंह ने, तो उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा? जी जरा सुन लीजिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैंने सॉरी 2-3 बातें ऊपर नीचे हो गई, जैसा मैंने आपको पहले अपना हीरो एक्सप्लेन कर दूं। हाँ जी बताइए प्लीज। मेरा हीरो जैसा सिंह है आलू वालिया। अच्छा। जैसा सिंह आलू वालिया, नॉट जैसा सिंह मजेठिया, और था जैसा सिंह आलू। ये अपनी मिसल के साथ आया लाहौर में, तो लोग ना रो पीट रहे थे, गलियों में खाक उड़ रही थी, माएं वैन डाल रही हैं, तो अपने चंद सवारों के साथ घोड़े पे सैर ये लाहौर के अंदर फिर रहा है। कहते क्या हुआ? कहते जी इस बार तो अफगानियों ने हमें बर्बाद कर दिया। कहते हुआ क्या? 2400 हमारी लड़कियों को बांदी बना के हमारे बच्चों को ले गए, और कोई भी टीन एजर से ऊपर नहीं था, 20 साल की औरत बूढ़ी तसव्वुर होती थी। तो कहता तुम मरे हुए थे, कहते हम सरकार से कैसे लड़ सकते हैं ना, हमारे पास, हमें तो ये 70 साल से लूटते आ रहे, तो इस बार तो हमारी कमर तोड़ दी। तो इसी ने फिर अटैक किया था जी इसके ऊपर, अहमद शाह अब्दाली के ऊपर, और वहां से इन बच्चियों को रेस्क्यू किया था गुजरात के पास से, और वापस अपने घरों को भिजवाया था। तो मेरा तो हीरो ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता जो हमारी बच्चियों को अगवा करके लेके जाए। तो खैर
लाहौर शहर के लोगों ने खत लिख के रंजीत सिंह को बुलवाया था, और जब खत लिख के बुलवाया था he was invited to Lahore. Okay. उसके लिए दरवाजे खुले। दो बातों में कितना फर्क है। अब ये जो फर्क है, he was invited from the citizens of Lahore कि हम आपको अपना बादशाह तस्लीम करेंगे, आपने चार शराइत पूरी करनी है पहले। आप हमसे चार चीजों का वादा करेंगे, हम आपको अपना बादशाह तस्लीम करेंगे। और इसकी उम्र कितनी है? 19 साल, 19 years of age. और आपके बेटे की उम्र कितनी है? वो भी 19 का ही आपसे जब मिला तो 19 साल का है जी। जस्ट इमेजिन, इस नौजवान को बड़े बड़े सफेद सरों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले अपना बादशाह मुकर्रर करना चाहते हैं। इसमें कोई तो खूबी होगी इस बच्चे में, तो कुछ था ना, बिल्कुल कुछ था, कुछ था। एक खूबी इसकी ये थी, ये कभी भी जो वादा करता था उसको पूरा करता था। और ये जब अपने फैसले करता था अपने मिसल के अंदर, अपने कबाइल में बैठे हुए, तो इंसाफ पे बेस करके फैसले करता, चाहे इसको खुद को नुकसान हो जाए। और तीसरा ये था, ये बड़ा निडर था। तो ये तीन क्वालिटीज के ऊपर द सिटिजंस ऑफ लाहौर दे चूज हिम कि आप लाहौर आए। जब वो लाहौर आता है उसके लिए गेट खोल दिए जाते हैं, तो भंगी सरदारों की औलादे यहाँ पे होती है। तो जो भंगी सरदारों की औलादे यहाँ होती है वो थोड़ी मोट कुछ तो भाग जाती है। गुजर सिंह तो किला गुजर सिंह का रहने वाला होता है, उसने वहां पे अपना फोर्ट्रेस बनाया जो लाहौर टीवी स्टेशन के सामने है, वो बारोबार उसकी फैमिली भाग जाती है। लैणा सिंह का सत्यानाश हो जाता है, वो भी भाग जाता है। शोभा सिंह कोई, तो इन सबको जब पकड़ लेते हैं इनकी, तो ये लाहौर पे काबिज हो जाते हैं, इसके ऊपर लाहौर फोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं। तो हमारे स्टोरीज कहते हैं जी रंजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा किया। कब्जा नहीं किया भाई, उसको बुलाया गया अपना निजात दिंदहान समझ के कि हमें ये, हमें इन लोगों से बचाएगा। और उस खत में चार चीजें लिखी थी। वो क्या क्या चीज थी कि देखो, पहली बात है हम तुम अपने बादशाह मान लेंगे, तुमने हमें अफगानियों से और इन भगी सरदारों से पनाह देनी है, एक। दूसरा, तुमने हमारे फैसले इंसाफ की बिना पे अदालतों से करवाने, सो जस्टिस हमें चाहिए, जस्टिस जस्टिस चाहिए। तीसरा, हमें हमारी इबादत गाहों को इबादत के लिए खोला जाएगा। और चौथी जो बात उन्होंने की कि जब तुम लाहौर आओगे तुम हमें लूटोगे नहीं, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, हम लुट लुट के खत्म हो गए। तो ये चार वादे पूरे करो, हम तुम्हें अपना बादशाह मान लेते हैं। तो ये चार वादे 1799 को जब ये आया जून के महीने में, उसके लिए गेट खोले गए, और यहाँ से एक गोल्डन पीरियड ऑन पंजाब शुरू होता है। वाह, आप देखें, मुझे ये पंजाब का जो गोल्डन पीरियड दोबारा शुरू होता है, तो उसमें तो देखें उसने फर्क नहीं किया। जो हमारे मुसलमान हुक्मरान थे जो इंसानों के खिलाफ थे और अपनी गर्ज के लिए चलते थे, इसी तरह से जो हमारे ये भंगी मिसल वगैरह जो सिखों में भी जो थे, तो असल में तो देखें ये हक और सच की और बुराई और नेकी की या इंसानियत की और इंसानियत इंसानों को इंसान ना समझने की ही जंग हुई ना। असल में तो ये हकीकत ये थी, आज तक चल रही है। देखिए खुदा के लिए हमें दूसरा फैसेट भी देखना हिस्ट्री का। मैं अब्दुल्ला चुगताई की हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, मैं औरों की पढ़ता हूँ। ये लोग एक फैसेट की बात करते हैं, ये कभी भी प्राइमरी सोर्स तक नहीं जाते हैं। नहीं जाते। अगर हमें चाहिए प्राइमरी सोर्स, अब जिस तरह मैंने आपको ये किस्सा सुनाया या जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि रंजीत सिंह ने पहली दफा मस्जिद में, बादशाह मस्जिद में डंडे के जोर पे नमाज पढ़ाई, तो इसकी प्राइमरी सोर्स क्या है? हमारे बहुत बड़े, हमारे मेरे दोस्त भी हैं, बड़े काबिल एहतराम है मुझे, मजीद शेख साहब जी, वो लिखते हैं डॉन में और वो लाहौर के ऊपर लिखते हैं। जब मैंने उनको ये स्टोरी सुनाई तो उनको अपनी स्टोरी करेक्ट करनी पड़ी। कहते यार ये तो मैंने किताब में भी छाप दी ये स्टोरी। मैं कहा जरूर, अब आप पे फर्ज है सही तारीख को अपनी, अपने आने वाली नस्ल के लिए सही तारीख पेश करें। कब तक हम डिनाइल फैक्टर्स में रहेंगे? कब तक हम अपने बच्चों को एक गलत किस्म की तारीख समझा के
और उनकी बुनियादों को कमजोर करते रहेंगे। हमें अपनी तारीख को अपने बच्चों को समझाना है और उनकी बुनियादों को मजबूत करना है, चाहे हमारी गलतियां थी, आप गलतियों से तो सीखेंगे। सर आप मुझे एक अभी जो मेरे जहन में एक बात आई है, आप इंस्टीट्यूशन है इस पूरे पंजाब का लाहौर के, तो ये जो चीज हमारे जो सिलेबस बनता है या वहां पे, आप उसमें क्यों नहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते, क्या क्या वजह है कि मैं जो बार बार अब ये चीज जो है, क्योंकि जब से मैंने आपसे मुलाकात भी हुई और जब से और भी हमारे जो राजेंद्र सिंह हैं वो हमारे बहुत अच्छे आपके छोटे भाई हैं जो बहुत हो चुकी है, वो लोधी साहब की कल भी उनके साथ कोई 2 घंटे इसी हिस्ट्री पे बात हुई है, तो वो जहन में आता है कि देखिए उधर भी वो चीज है इधर भी, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन जो है, चले मेरे घर में ये बात हो रही है, आप उसके इतने विटनेस हैं तो आपके घर में होगा, मेरे 2 बच्चे हैं उनको पता है, या माउथ टू माउथ कहीं और थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप देते हैं लेक्चर्स भी देते हैं, आपके मैंने कई लेक्चर्स देखे हैं, लम्स में भी आप जा रही हैं कुछ है, लेकिन जरूरत तो इस बात की है ना कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बने, तो क्यों ऐसी एफर्ट नहीं हो रही, क्यों मोहब्बत और किया जा रहा? अभी तक हम लोग समझ नहीं सक रहे, अभी तक हमें असल में हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एक डिनाइल फैक्टर में पड़े हुए, एक डिनाइल में पड़े हुए, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये हमारे, तो अब उनसे दोस्ती कैसे हो सकती है, हमारे खून में रचा बसा दिया गया है। बड़ा आसान होता है नफरतों को फैलाना, और मोहब्बतों के बीज जब आप बोते हैं उसको एक पेड़, एक कदावर दरख्त बनने के लिए सदियां साल चाहिए। आपने सही कहा कि हमारे निसाब में ऐसा क्यों नहीं है। अब यकीन कीजिए कि अब आके मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4-5 PhDs हो गई हैं, हमारे मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हमारे नौजवानों ने की हैं, पंजाब के हवाले से किए हैं, तो मेरे पास जो भी कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट आता है पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, लाहौर कॉलेज से हो, या किसी और यूनिवर्सिटी से हो, तो मैं उनको कहता हूँ भाई पंजाब पे काम करो, सही पंजाब पे काम करो, तो हमारे पास मवाद मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो फिर पंजाब पे हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारी 3-4-5 PhDs हो रही है, अभी मजीद भी आगे जरूरत है, हजारों PhDs की जरूरत है, बहुत जरूरत, और सही नैरेटिव को बिल्ड करने की जरूरत है, एकेडमिकली भी, जी बिल्कुल जरूरत है, एकेडमिकली भी चाहिए, और आने वाली नस्ल को भी हमें समझाना है कि आगे क्या हुआ था। हकीकत में ये है कि बाद मुखालिफ के जी जी के खिलाफ, यू नो बाद मुखालिफ से चलना ना जी, अब अगेंस्ट ऑल ऑड्स जब आप चलते हैं जी जी। तो बड़ी ही मुश्किल से आप जाते हैं, हकीकत में ये है। सही है। इसके लिए आपको बड़ा रियाज चाहिए जी। और मुझे इस काम में बड़ा रियाज है जी, मेरे पास मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी ये तो रजीत सिंह की बात कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं भाई, इनके बाप दादा ने रजीत सिंह का नमक खाया था, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह खाया था, हम नमक हराम नहीं है, नहीं है नहीं, लेकिन कोई बाल नहीं भीगा कर सकता सच और हक की बात करने वाले का, बिल्कुल सच्ची बात है, प्यार को प्रमोट करने वाले का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बजा फरमाया, और इसमें कोई शक भी नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना है, हमें अपनी जबान से जुड़ के रहना है। मैं उर्दू में आज जान के बोल रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो हमारी पंजाबियों को नहीं समझेंगे, तो कम से कम उर्दू में मेरा मैसेज बिल्कुल मैसेज जाएगा बिल्कुल। आपने कहा भी था कि हम पंजाबी में भी, मैंने असल में पंजाबी में कर, लेकिन मेरा ये था कि बहुत सारे बच्चे जो है ना हमारे अपने, वो थोड़ा पंजाबी को नहीं समझ सकते, तो मैं इसको लिमिटेड नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने भी उर्दू में ये कहा। लेकिन ये आपका आपका तो ये जो पंजाब के मामले में जिस तरह से काम है, क्या क्या मजा आया गुफ्तगू का। हमारे पास लास्ट 5 मिनट हैं, तो सैफ साहब आपने ये जो हिस्ट्री बताई है, मेरा ख्याल है कि हमने आपसे गिमी टीवी ने, मैंने एक पर्सनल थैंक यू और ग्रेटिट्यूड के साथ आपसे, हमने आपको हमने जहमत देते रहना है, और
मैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह मैं अपने वालिद का काम रिवाइव कर रही हूँ, वो भी मेरे वालिद का भी काम, ना कोई किताबें मिल रही हैं ना कुछ हो रहा है, इंडिया में भी उनका काम और इधर भी, और ये सारा एक वो मिशन था, लेकिन इसके साथ साथ मेरे मैं एक पंजाबन हूँ, पंजाब से ताल्लुक है, और आप जैसे इंसाइक्लोपीडिया के साथ जुड़ गए हैं, तो आपको अब मैंने ना ये आपके थ्रू ये चीजें पूरी की पूरी हिस्ट्री सिलेबस तो जब बनेगा सो बनेगा, पीएचडी भी हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारा मीडियम जो है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम से कम मैसेज तो हमारा जा सकता है, मैसेज जाता है, मैसेज के बाद देखिए आसानियां पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अपने आने वाली नस्ल को सही तारीख तो बता सके, सही चीज तो समझा सके, यार हकीकत में ये थी, हकीकत में ये थी। अब देखिए मैं जो कहता होता हूँ अक्सर कि जी खुदा का वास्ता है, तुम पार्टीशन को कहते हो इंडिया से कट गए, जी हम लोग हमने इंडिया से पार्ट, हमने भाई खुदा के लिए तारीख के हवाले से देखो, इंडिया वाज नेवर बीन अ पार्टेड। अगर पार्ट कुछ हुआ है, कोई लकीर फेरी गई है, तो अंग्रेज जाते जाते दो चीजें सोच के गए थे कि उनको 200 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, पंजाब में 150 साल और दूसरे एरिया में 50 साल और एक्स्ट्रा, कि उसके बीच में कौन सी दो कौमें थी जो सबसे मुश्किल टफ टाइम उनको दिया। अर्ली 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 डेज में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे मुश्किल टाइम दिया था सिराजुद्दौला ने, सही, बंगाल ने, और लेटर पीरियड में आके महाराजा रणजीत सिंह का जब दौर आया तो उन्होंने किया क्या, पार्टीशन किसकी हुई, पार्टीशन बंगाल की हुई और पार्टीशन पंजाब की हुई, पंजाब की हुई, इन्होंने पंजाब को काटा है, इंडिया को नहीं काटा, इन्होंने रजीत सिंह, इन्होंने रजीत सिंह के पंजाब को काटा है। आज आप अमृतसर चले जाइए, रजीत सिंह की वहां पे बड़ी खूबसूरत एक लेगेसी है, दैट इज अ रामबाग, वो रामबाग अब जन्नत नजीर बाग था, उसमें बारादरी और बड़ा ही खूबसूरत महाराजा रजीत सिंह ने बना, तो अंग्रेजों ने एक सड़क बनाई वहां से रामबाग के बीच में से सड़क ले गए, वो साइड से जा सकती थी, आज भी मौजूद है। ये क्या कर रहे हैं, ये रजीत सिंह की लेगेसी को काटते हैं। आप देखिए लाहौर फोर्ट, रजीत सिंह का एक सबसे ही खूबसूरत बाग था लाहौर फोर्ट में, जिसको हम मुसम्मन बुर्ज कहते हैं, और कहते हैं कि वो जमीन के ऊपर जन्नत का एक नजारा था। तो उन्होंने क्या किया जी, हम यहाँ से एक सड़क निकालते हैं, उस मुसम्मन बुर्ज को काट के, जो इस वक्त लाहौर फोर्ट की सड़क निकली है, उस बाग को काट के निकाली है। ये इन्होंने हमारी लेगेसी को काटा है, ये हमारी हिस्ट्री को काटा है, हमारी हीरोज को इन्होंने विलन्स बना के हमारी हमारी कौम को बताया। हमारी कौम को समझना चाहिए, हमारे पंजाबियों को समझना चाहिए कि हमारे अंदर हमारी तारीख इज फुल ऑफ ग्लोरी, हमारी तारीख बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े ईमान से भरी हुई तारीख है, बिल्कुल है, बहुत ही ग्लोरी है। एक मिनट है, मैं आपसे ये कहूंगी, आप पंजाब में बैठे हैं, आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, आप हिस्ट्री हैं, हम इन्हीं अंग्रेजों के मुल्क में बैठ के अपनी तारीख को बचाएंगे, सच बताएंगे, मेरा वादा अपने आप से, मेरा वादा अपने आप से, तो आप आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल सर। इतना मजा आया सेशन का, तो हमारी तो चांद रात भी हो गई और हमारी ईद भी हो गई, आपको फिर भी जहमत देती रहूंगी, थैंक यू सो मच। लास्ट जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आपके आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई एम सॉरी कि इंटरव्यू जरा लंबे हो गए, और आई डोंट नो मजा दे लाइक इट, चलिए थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।